हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त राशिद खान और आप देख रहे हैं खान यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों को थ्रेसर से धान कैसे निकाले जाते हैं ये दिखा रहा हूं। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको धान की कटिंग और देसी तरीके से कैसे धान निकाले जाते हैं ये दिखा चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ थ्रेसर से धान निकालने की तकनीक। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ खेत में थ्रेसर से धान निकाले जा रहे हैं। तो चलते हैं वहीं पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से थ्रेसर से धान निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, खेत में आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देखिए थ्रेसर से धान निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बोझ बना बना कर धान को ला रहे हैं और मशीन में डाला जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ से इसका भूसा निकल रहा है और नीचे से धान निकल रहे हैं। थ्रेसर से धान निकलना बहुत ही आसान रहता है, इसमें किसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये धान निकालने वाली जो मशीन होती है इसका जो मालिक होता है सारा काम खुद वही करता है और मज़दूर वगैरह जो वो खुद लगाता है। तो यहाँ पर इस टाइम पर एक बीघा के 800 रुपये ले रहा है थ्रेसर मशीन वाला। तो किसान को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सारा काम थ्रेसर वाले कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए धान एकदम साफ साफ निकल रहे हैं, अब किसान को साफ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर थ्रेसर मशीन से धान गिर रहे हैं और इन्हें इस साइड में दादा हैं उठा उठा कर दूसरी जगह रख रहे हैं। ये देखिए साइड में यहाँ पर धान रख रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये खेत में बोझ बना बना कर डाल दिए गए हैं, इससे ये जो मज़दूर लगे हुए इनको उठाने में बहुत आसानी रहती है। यहाँ से उठा उठा कर थ्रेसर मशीन तक पहुँचाते हैं और इसे मज़दूरों को और थ्रेसर मशीन वाले को भी बहुत आसानी रहती है। तो देखिए यहाँ पर लेकर जा रहे हैं बोझ उठाकर और एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ पर दो लोग खड़े होकर धान के बोझ को थ्रेसर मशीन में डाल रहे हैं। थ्रेसर मशीन से जब धान निकाले जाते हैं तो इसका पैरा जो बचता है वो एकदम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि देखिए पूरे पूरे धान के पौधे मशीन में डाल दिए जाते हैं और साइड से देखिए भूसा और पैरा कट कट के निकल रहा है। तो इससे ये जो पैरा होता है एकदम बर्बाद हो जाता है, लेकिन किसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती। धान देखिए एकदम साफ साफ निकल आए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तरफ थ्रेसर मशीन में धान के पूरे पूरे पौधे डाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ धान के जो पैरा है कट के भूसा सब निकल रहा है और नीचे धान देखिए एकदम साफ साफ निकल रहे हैं। अब इन्हें साफ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से किसान घर अपने उठा ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया कि थ्रेसर मशीन वाले 800 रुपये ले रहे हैं, तो इसमें से ये 300 रुपये इन सभी मजदूर को देंगे। मतलब एक बीघा के 800 लेते हैं थ्रेसर मशीन वाले, उसमें से 300 मजदूर को देते हैं। तो एक दिन में कितने बीघे इसमें थ्रेसर से मशीन से साफ कर देंगे, उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से निकालते हैं थ्रेसर से धान। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।